फ्रेंड्स, एयरलाइंस के यूनिक सेशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वंदे भारत मिशन में आपके साथ कैसे फ्रॉड हो सकता है, इसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा टिकट बुक करने से पहले। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे राजस्थान में आने वाले समय में जयपुर के अलावा किन चार और जगहों के लिए फ्लाइटें शुरू होने वाली है, उसकी पूरी जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देने वाले हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, एयर इंडिया की कुछ एडिशनल फ्लाइटें शुरू होने वाली है, उसकी भी डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप वंदे भारत मिशन से भारत में आना चाहते हैं या फिर आप कोई भी चार्टर्ड फ्लाइट के माध्यम से देश में आना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर बड़े सावधानी की जरूरत है। इसकी जानकारी हमने आपको पहले भी दी हुई है। अब आपको दोबारा फिर से बताते हैं कि यहाँ पर टिकट बुक करते समय आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ऐसा देखा जा रहा है कि वंदे भारत मिशन के नाम पर कई गलत तरीके से लोग आपको ईमेल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए बोला जा सकता है उनके अकाउंट में। तो एक बार आप पेमेंट करने से पहले ये पूरे तरीके से जाँच कर ले कि ये रियल वंदे भारत मिशन की फ्लाइट बता रहे हैं या फिर नहीं। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपको जीमेल की किसी भी आईडी से ईमेल आता है तो आप वहां पर समझ जाइए कि ये एक फ्रॉड हो सकता है। इसके अलावा यदि आपको कोई ऐसे अकाउंट से मैसेज कर रहा है जो कि आपको किसी भी तरीके से संदेह पैदा कर रहा है, तो आप सीधा ट्विटर पर जाकर एम्बेसी से इसके संपर्क कर सकते हैं कि क्या वह रियल है या फिर नहीं। यहाँ पर देखा गया है कि कई सारे लोगों को इसी तरीके से लूटा गया है। उन सभी लोगों को वंदे भारत मिशन के नाम पर पैसा लिया जा रहा है और कोई भी टिकट नहीं दी जा रही है। इसके अलावा कई चार्टर्ड फ्लाइटों के नाम पर भी लोगों के साथ फ्रॉड किया गया है। तो फ्रेंड्स, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो प्लीज आप ध्यान दीजिए और आगे आपके पास इस तरीके से कोई भी डिटेल आती है तो उसको आप एम्बेसी से एक बार जरूर वेरीफाई करवा लीजिए। अब चलते हैं आज के वीडियो के अगले सेशन की तरफ। तो आपको बताना चाहेंगे कि आने वाले समय में राजस्थान में अभी तक केवल जयपुर के लिए ही उड़ानें शुरू हो रही थी, लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर एक खबर निकल कर आ रही है कि अब जयपुर के अलावा राजस्थान के चार और शहरों के लिए उड़ानों की शुरुआत हो सकती है। उन चार शहरों के नाम है जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर और बीकानेर। यहाँ पर राजस्थान की सरकार ने इन सभी एयरपोर्ट्स पर पूरे इंतजाम कर दिए हैं, जिससे कि आने वाले समय में इन स्थानों के लिए भी फ्लाइटों की शुरुआत हो सकती है। तो एक बार आप फ्लाइट की टिकट बुक करते समय ये ध्यान रखें कि क्या पता आपके शहर के लिए भी फ्लाइट की टिकट की बुकिंग हो रही हो, जिससे कि आप जयपुर के अलावा सीधे अपने शहर के आसपास ही पहुंच सकते हैं। अगली खबर आ रही है यहाँ पर एयर इंडिया से। एयर इंडिया यहाँ पर वंदे भारत मिशन के तहत 11 जुलाई से लेकर 19 जुलाई के बीच में 36 फ्लाइटें ऑपरेट करने वाली है। यहाँ सभी फ्लाइटें यूएसए के लिए होंगी, जिसकी टिकट की बुकिंग कल यानी 6 तारीख से एयर इंडिया की वेबसाइट पर रात के 8 बजे से शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि इन टिकटों की बुकिंग भारतीय समय के अनुसार रात के 8 बजे शुरू होने वाली है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप टिकट बुक करते समय अपनी पूरी तैयारी करके टिकट बुक करें, क्योंकि यहाँ पर अक्सर देखा गया है कि टिकट की बुकिंग शुरू होते ही टिकट सोल्ड आउट हो जाती है। इसकी और अधिक जानकारी के लिए आप एयर इंडिया की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बाकी सभी तरह की जानकारियाँ उपलब्ध हो जाएंगी। फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस के इवनिंग सेशन की कुछ जरूरी और काम की खबरें। ऐसे ही और खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। फ्रेंड्स, जाते जाते हम आपको एक बार फिर से बताना चाहते हैं कि आप ऐसे फ्रॉड करने वालों से बचे। अगर आपके पास ऐसी कोई ईमेल या फिर कोई मैसेज आता है तो आप हमें ट्विटर पर जरूर भेजिए।